खेड च कोई वे राजा ते कोई वे प्यादा प्यादे ते राजा खिडारी लई हुंदे खिडौना ते मैं कितने फैसले किन्या नू एथे खिडौना ते मैं ही खिडारियां नू खेड सिखाउना भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष महान राष्ट्रभक्त प्रखर शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर हम प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के एक महान देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। देश के अंदर जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में देश के अंदर उद्योग मंत्री के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं को देते हुए उन्होंने देश को एक विजन दिया था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने सरकार से अलग हट करके भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने और जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने संविधान में चुपचाप चोरी छिपे धारा 370 को जोड़ने का कुत्सित कार्य किया था तो उसका प्रखर विरोध स्वतंत्र भारत में जिस महापुरुष ने किया था वह नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। उन्होंने उस समय एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और एक साजिश का शिकार बने। 1953 में आज ही के दिन उनका वो महान बलिदान भारत की एकता का आधार बना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था हम सब अभिनंदन करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करते हुए
वहां के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करते हुए जम्मू कश्मीर को ही विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और भारत देश से आतंकवाद के समूल नाश करने के संकल्प को आगे बढ़ाया। आज जम्मू कश्मीर एक नए ओज और तेज के साथ विकास की मुख्य धारा से जुड़ करके लोकतंत्र की एक नई भोर के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस जम्मू कश्मीर में लगातार वहां के मूल्यों और आदर्शों को रोकने और रौंदने का प्रयास आजादी के बाद धारा 370 लागू होने के बाद निरंतर हुआ, आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर नागरिक विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ी रहा है। लेकिन साथ साथ उस जम्मू कश्मीर के अंदर एक अन्य बात तो देखने को मिल रही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, बंजारा और गुजर समाज के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा का लाभ वहां पर प्रदान किया जा रहा है। विकास की मुख्य धारा के साथ पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ने का जो एक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हरेक नागरिक को संविधान प्रदत्त अधिकार वहां पे प्रदान किए जा रहे हैं, यही तो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था। आज उनके 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर हम उस महामानव को, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत की एकता और अखंडता का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, आज वे संकल्प चरितार्थ हुए हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना आज साकार होती हुई दिखाई दे रही है। यही डॉक्टर मुखर्जी के प्रति भारत राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। देश के अंदर उद्योग मंत्री के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं को देते हुए उन्होंने देश को एक विजन दिया था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने सरकार से अलग हट करके भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। ऐसे खेड़े चे कोई वे राजा दे कोई वे प्यादा, प्यादे दे राजा खिडारी लई हुंदे खिडौना, ते मैं कितने फैसले किन्या नू एथे खिडौना, ते मैं ही खिडारियां नू खेड़े सिखाउना।